राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट बी रेडी 3 2 1 स्टार्ट। केंद्र और राज्य सरकारों के मुकाबले भारतीय शेयर बाजार कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को शायद बेहतर ढंग से समझ रहा है। स्टॉप तभी तो पिछले दो दिनों में सेंसेक्स 2000 से अधिक अंक लुढ़क चुका है। स्टॉप पिछले साल मार्च में कोरोना के मामले बढ़ने पर दुनिया भर के शेयर बाजारों में मचा कोहराम अधिक पुरानी बात नहीं है। स्टॉप दक्षिण अफ्रीका से निकले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फिर से आशंका के भंवर में डाल दिया है। स्टॉप अमेरिका और यूरोपीय देशों में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। स्टॉप ब्रिटेन में तो हाल ही तीन दिन तक लगातार एक दिन में सर्वाधिक मामलों के रिकॉर्ड कायम हुए हैं। स्टॉप कोरोना के कहर से बचने के लिए नीदरलैंड्स में क्रिसमस के जश्न के बीच लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। स्टॉप जर्मनी ने तो ब्रिटेन से पर्यटकों के अपने यहाँ आने पर ही रोक लगा दी है। पैरा शेयर बाजार की तरह आखिर हम लोग भावी खतरों को भांप कर उसके अनुरूप व्यवहार क्यों नहीं कर रहे। वैज्ञानिकों की चेतावनी को दरकिनार करने के नतीजे हम पहले देख चुके हैं। स्टॉप एक दौर में तो पूरा देश ही अस्पताल नजर आने लगा था। स्टॉप दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने फिर चेतावनी देनी शुरू कर दी है। स्टॉप कोई जनवरी तो कोई फरवरी में तीसरी लहर की आशंका जता रहा है। स्कूल कॉलेज खुलने के बाद शादी विवाह भी परवान पर रहे। स्टॉप देश के सबसे बड़े राज्य के साथ साथ चार राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने ही वाला है। स्टॉप इन राज्यों में रैलियों और जनसभाओं के जरिए वोट जुटाने का काम शुरू हो चुका है। स्टॉप तमाम हिदायतों के बावजूद मास्क कम दिख रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी किसी को परवाह नहीं दिख रही। पैरा ऐसे में क्या हम तीसरी लहर को खुद दावत नहीं दे रहे। इतना सब भुगत चुकने के बाद भी संभलने को तैयार नहीं। स्टॉप केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें सक्रिय दिखने के प्रयास तो कर रही हैं लेकिन वाकई में जितनी सक्रियता दिखनी चाहिए दिख नहीं रही। आज के माहौल को देखकर लगता नहीं कि पहली और दूसरी लहर के दौरान इतना कुछ लुटा देने के बाद भी हम होश में आना चाहते हैं। नया वेरिएंट तेजी से पांव पसार रहा है लेकिन सख्ती करने वाला कोई नहीं। स्टॉप सरकारें फिर से सख्ती के मूड में दिख नहीं रही हैं। नेताओं से लेकर जनता इस भुलावे में बैठी है कि वैक्सीन तो लग गई अब कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। स्टॉप यही गलती यूरोपीय देशों ने की थी जिसका नतीजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। स्टॉप हमें उन गलतियों से सबक लेने की ज़रूरत है ताकि हमें भी आगे जाकर किसी तरह के दुष्परिणाम न भुगतने पड़े। स्टॉप पैरा ऐसे आध्यात्मिक साधक जिन्होंने सांसारिक इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है वे अहंकार से मुक्त हैं और सर्वशक्तिमान के साथ पूर्ण सद्भाव में हैं। स्टॉप ऐसे साधकों को आत्मा की निर्भयता आंतरिक आनंद और समृद्धि का अनुभव होने लगता है। स्टॉप आध्यात्मिक यात्रा स्वभाव की यात्रा है
मनुष्य में ईश्वरीय अंश अनंतता एवं अपूर्व सामर्थ्य विद्यमान है। स्टॉप पैरा इसे अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और आध्यात्मिक जीवन शैली से उद्घाटित किया जा सकता है। स्टॉप अतः दिव्य जीवन के निर्माण के लिए स्वभाव में रहें। स्टॉप साधना में ही वह शक्ति है जिससे व्यक्ति धीरे धीरे आसक्ति व रसों के मोह को छोड़ता चला जाता है। स्टॉप एक समय ऐसा आता है जब वह स्वयं ब्रह्मा को एकीकृत करता है। स्टॉप साधना से व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है। स्टॉप पैरा वन या किसी भी निर्माण सामग्री में रेत सबसे प्राथमिक जरूरत होती है। प्रदेश में रेत के लिए हम नदी के किनारे की खदानों पर निर्भर हैं। इसके दाम पूरे प्रदेश में एक हो या किसी शहर में अधिकतम कितनी कीमत वसूली जाए इसके लिए सरकार की कोई नीति नहीं है। सरकार घन मीटर की दर से रॉयल्टी वसूल कर आम लोगों को ठेका लेने वाली कंपनी के भरोसे छोड़ देती है। यह तय करना ठेकेदार का काम है कि उस रेत की कितनी कीमत आम आदमी से वसूली जाए। इसीलिए अलग अलग शहरों में रेत की उपलब्धता और मौसम के अनुसार दाम बदलते रहते हैं। अनियमित बारिश और जलीय जंतुओं के प्रजनन काल को देखते हुए NGT की रोक भी इस कारोबार को प्रभावित करती है। स्टॉप कोरोना काल के दौरान बड़े निर्माण कार्य ठप रहे इसलिए रेत खदानों से रेत का तय मात्रा में उत्खनन नहीं हो पाया। स्टॉप ऐसे में इस साल भोपाल और होशंगाबाद सहित कई जिलों में ठेकेदारों ने अपनी खदान त्याग दी। स्टॉप अकेले होशंगाबाद से ही सरकार को 262 करोड़ रुपए सालाना की रॉयल्टी मिलती है। खदानें त्यागे जाने से सरकार को इसका नुकसान हुआ है। उधर इससे प्रदेश के कई जिलों में रेत का संकट हो गया। स्टॉप होशंगाबाद की तवा नदी की रेत की गुणवत्ता अच्छी होने से प्रदेश में इसकी सबसे ज़्यादा मांग है। खदान समर्पित होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ तो आम जनता को मनमाने दाम देने को विवश होना पड़ा है। कुछ समय पहले तक 15,000 रुपए में मिलने वाला डंपर अब 30,000 रुपए तक मिल रहा है। लोगों के बड़े निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। स्टॉप रेत का कारोबार में अवैध खनन का भी बड़ा हिस्सा है। स्टॉप इसके साथ ही इस कारोबार में चुनिंदा लोगों के ही होने से एकाधिकार बना हुआ है। इससे बचने के लिए सरकार की मंशा थी कि तहसील और ब्लॉक स्तरों पर खानों को लीज दी जाए, लेकिन अब तक यह योजना भी सिरे नहीं चढ़ पाई। स्टॉप हालांकि इसमें स्थानीय स्तर पर अवैध खनन बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। स्टॉप वैसे सरकार की चिंता अपनी राजस्व वृद्धि की रहती है। उसका इससे सरोकार कम है कि आम आदमी की सस्ती कीमत पर रेत मिल पाए। इसलिए नीति निर्माताओं को चाहिए कि रेत खनन से जुड़े इस कारोबार को नियमित करने के लिए प्रदेश स्तर पर नीति बनाई जाए ताकि इस कारोबार पर एकाधिकार खत्म हो और आम आदमी को सही और तय कीमत पर रेत उपलब्ध हो पाए। स्टॉप पैरा न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार में कम दाम प्राप्त होने पर किसानों के घाटे की भरपाई के लिए अंतरराशि देकर भावांतर भुगतान किया जा सकता है। इस प्रणाली में प्रत्यक्ष खरीद की आवश्यकता नहीं रहती है जिससे उस पर
होने वाले भारी भरकम व्यय की बचत संभव हो जाती है। स्टॉप न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति माह का यह भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसका उपयोग अनेक उपजों में मध्य प्रदेश तथा हरियाणा जैसे राज्यों ने किया है। स्टॉप